आज दे इस कवि दरबार दे विच थोड़ा सब दा बहुत बहुत स्वागत। जेड़ा माहौल अजकल है उस माहौल दे विच जिंदगी की तुहाडे तो तवक्को करदी है ते असी किवें किवें उस नूं जरदे आ बर्दाश्त करदे आ। पिछे जे जदों एक घटना होई सी तां स्वागत है मनमोहन महेड़ू जी। आ लो चक्को फड़ो अपनी गऊ माँ ते सिरजणा दे आरे लगियां सारियां मावां साढ़े ना। सीमत रहो जे रहना तुसी साढ़े कोल असीम फैलण दी थां। इतिहास रोएगा वरकियां चो लहू चोएगा। इतिहास रोएगा वरकियां चो लहू चोएगा। नस्लां नस्ल कुशी नूं मुआफ नहीं करनगियां। नस्लां नस्ल कुशी नूं मुआफ नहीं करनगियां। मेहरबानी। सो असी जिंदगी दे बहुत सारे मरहले सर करदे आं। बहुत सारियां गल्लां बहुत सारियां चिंतावां बहुत सारियां इहो जिहियां सानूं दुश्वारियां संकट देश ते परदेस ते कम्मां दे ते उहदे च मैनूं लगदा हुंदा कि कविता एक अजिही खिड़की आ जे असीं उह खोलदे आं तां उहदे चों उत्सव वर्गी बहार जिहड़ी आ खिड़े हुए फुल और पूर्णमाशी दा चंद पूरे दा पूरा सूरज सूरज दियां किरणां फुल बूटे प्रकृति ब्रह्मांड सारे दा सारा साढ़े कोल मुयस्सर हुंदा है। सो कविता एक अजिही दुनिया दी सब तो प्यारी मैं कहनी हुंदी कि सब तो पुरातन है जिहदे नाल मन नूं बड़ा सुकून मिलदा ते मैनूं लगदा हुंदा कि जे मैं कविता ना लिखदी हुंदी या कविता दे नाल नाल ना तुरदी हुंदी कविता मेरे नाल नाल ना तुरदी हुंदी तां शायद मैं खत्म हो गई हुंदी। सो साहित कविता या साहित दे सारे रूप साढ़े लई बहुत सुकून देंदे ने सानूं और अज दे जिहड़ा असंवेदनशील वरतारा हर पासे फैलिया हिंसक वरतारा जिहदे च असीं सवेरे भी गल कर रहे सी कि पंजाबी दा अक्स गुआच गया है कि साढ़े कोले जिहड़ा हुण पंजाबी आ साढ़े गीतां दे विच उहदे च उह दब च बंदूक रखदा या मोढे ते दुनाली हुंदी आ और उहदी डिग्गी दे विच बोतलां हुंदियां ने सीटां दे थले और गलास रखदा ते जिथे जी करदा डैक ला के उह भंगड़ा पाउंदा। सो इहो जे पंजाबी दा अक्स या जिहड़ियां हुण प्रवृत्तियां उहनां दे लई कविता बहुत सारियां गल्लां करदी आ। इहनां गल्लां नूं असीं अज कवि साहिबान तो भी सुनांगे ते इहदे नाल नाल मैं एक गल होर कहनी चाहांगी कि ये बड़ा खूबसूरत समा है कि तुसी सारे आए हो साढ़े एक निमाणे जे सद्दे ते तुसी सारे अपने ही रिसोर्सिज वरत के इत्थे आए हो और ये जिहड़ा आलम है ये कॉन्फ्रेंस है इहदे चों जरूर ही असी बहुत वधिया गल्लां जिहड़ियां ने उह सामने आउणगियां जिहड़ियां पंजाबी भाषा लई साहित लई सभ्याचार लई ज़रूर मील पत्थर साबित होणगियां। एक सौखी जी गल कहनी है क्योंकि प्रवास दे विच जदों रहिंदा बंदा ते उहनूं लगदा हुंदा कि मैं कहनी हुंदी कि जिंदगी इदां दी होवे हरी मिर्च कुतरी होई वेसण गंढा ते लूण दी चुटकी दुध पा लो या देसी घिओ भुरपरी हथ ते धर के खाण जही ਪੁਰਪਰੀ ਹੱਥ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਖਾਣ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਸਾਦਾ ਪਰ ਸਵਾਦ ਜਿਹੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣੀ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁਲੰਦਵੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ सोच इन्हां दी दृष्टि वो सारी सुनांगे। दर्शन बुलंदवी जी। प्रधानगी मंडल अते हाजर विद्वान अते भैन भराव मेरियां दो सुना दी है जां
ठीक मेरी कविता है भीड़। चाबी नाल खिडौने ही नहीं भीड़ भी चलती है, चाबी नाल खिडौने ही नहीं भीड़ भी चलती है। जब खिडौने चलते हैं तो बच्चों के दिल परचते हैं, मावां दे कलेजे ठंड पैंदी है, अखां च सुकून भरदा है, खुशबू साह भर लगती है। जब खिडौने चलते हैं तो बच्चों के दिल परचते हैं, मावां दे कलेजे ठंड पैंदी है, अखां च सुकून भरदा है ते खुशबू साह भरन लगती है। पर जद भीड़ चाबी ते चलती है तो अखां तो अन्नी कन्नां तो बोली हुंदी है, जिस दे अपने ना पैर हुंदे आ ना अपनी कोई राह, जिस दे अपने ना पैर हुंदे हन ते ना अपनी कोई राह। चाबी खातर वह कुछ भी बन सकती है, चाबी खातर वह कुछ भी बन सकती है, अग हिंसा जां खुदकशी जां मसीहे दी लाश ते चुटकला जां अपनी अंदर च खुब्बा होया नस्तर। भीड़ विचारी नूं ना चाबी दिसदी है ते ना चाबी पिछला हाथ, ते ना चाबी पिछला हाथ। एक कविता है, यदि बैकग्राउंड यह है कि असल में साडा पिंड महिमूवाल मालना एक हुंदा सी, ते असी उत्थों नवें पिंड विच शिफ्ट हो गया सी। वो मेरे एक कविता मेरे अपने जद्दी पिंड बारे है, जिसनू मैं वार वार उत्थे जाना लोचदा मैं की अनुभव कीता। जद्दी पिंड पुराने विच्चों मैं लभां कुछ पुराना, पुराना तां कुछ हाथ ना आवे बदल गया सब ताना। नवा नवा उंज चंगा लगदा पर मेरी सांझ नाल पुराने, उस विच मेरा बचपन खेले जो जुड़िया नाल कराने। किते किते कोई चेहरा वेखां जो मिलदा नाल पुराने, उस दे विच्चों खोज लवां मैं जो जन्म जन्म तो जाने। किते किते कोई चेहरा वेखां जो मिलदा नाल पुराने, उस दे विच्चों खोज लवां मैं जो जन्म जन्म तो जाने। एक ने पुछया नेड़े होके तू किस घर जाना भाई, उसने समझा शायद मैं हाँ कोई भुलिया भटकिया राही। मैं समझाया भलिया लोका ये पिंड पुराना मेरा है, मिट्टी एदी पैड़ पछाणे हर गली राह मेरा है। गब्बे पिंड दे घर सी मेरा हुण वटुक होई दिसदी है, गब्बे पिंड दे घर सी मेरा हुण वटुक होई दिसदी है। ड्यूड़ी दी थां गेट लोहे दा थां होर दी होई दिसदी है। दाड़ी वाला बोर्ड ना दिसदा जो ठंडियां छावां करदा सी, जिस दे हेठां बह के सब दा तपदा सीना ठरदा सी। कौड़ कबड्डी असां इत्थे खेडी, अजे पिंडियों रेता किरदी है, जंग पलंगा खेडिया रुखी सोच चुणचुणी छिड़दी है। इत्थे मेरे पुरखे जन्मे हुण रब नूं गए परनाए जी, उन्हां दी खैर मनाउंदिआं ही अज जोत जगावण आए जी। अगों आखदे ने जम जम आओ सज्जण प्यारे तुसीं अपने ही घर आए हो, इको जड़ दे आपां जाए तुसीं जड़ पूजण ही तां आए हो। जून हंडाके तुर गए जो नहीं छड़ के गए सरनावां जी, पार समुंदर तुर गए जो उन्हां दा पार उत्थे ही पक टिकाणा जी। वंड दे वेड़े रह गया सी जो मुहम्मद नां दा बंदा जी, वह भी सत्त समाने तुर गया अपने दुख दा कढ के कंडा जी। उच्चियां कोठियां अंदर लमकण गिठगिठ लंबे जाले जी, दों साली परदेसी आके अपने खोलण ताले जी। जिथे रातीं रासां पैंदियां सावण चढ़दियां पींघां सी,
ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਡਾਹਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਸਾਰਾਂ ਜੀ। ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਨ ਪਿਆ ਲੋਚੇ ਉਸ ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਨ ਪਿਆ ਲੋਚੇ ਹਰ ਬੂਹੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਪਿੱਠ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਕੀਤਾ ਪੈਂਡਾ ਉੱਥੇ ਆ ਮੁਕਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਕੀਤਾ ਪੈਂਡਾ ਉੱਥੇ ਆ ਮੁਕਾ ਜਾਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਰਸ਼ਨ ਬੁਲੰਦਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰਚਨਾ ਔਰ ਹੇਰਵਾ ਔਰ ਅਪ੍ਰਾਪਤ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਹੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰੀ ਕਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 12 ਕਵਿਤਰੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਬਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਨਜੀਤਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 'ਚ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਵੀ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੂਠੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੀਰਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੀਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਫ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਰੋਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਫ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਰੋਣਾ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਸੀਨੇ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸੰਗ ਵਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਾਂ ਪਰਤ ਦਾ ਘਰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਤ ਦੇ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਮੈਂ ਰੁਕਮਣੀ ਮਾਲਕਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਾਂ ਪਰਤ ਦਾ ਘਰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਤ ਦੇ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਮੈਂ ਰੁਕਮਣੀ ਮਾਲਕਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਫੇਰ ਉਜੜਨ ਦੀ ਪਵੇ ਨਾ ਲੋੜ ਹੀ ਫੇਰ ਉਜੜਨ ਦੀ ਪਵੇ ਨਾ ਲੋੜ ਹੀ ਜੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਖਤ ਦੇ ਮੈਂ ਵਸਾਵਾਂ ਘਰ ਨਗਰ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਸੀ
पता ठीक है हाँ 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 बस मैं 30 साल पहले इंग्लैंड गया से उदो भी यही हाल से मैं तो बस इन्नी सी मंगी आ गया मैं तेरी ते तू मेरी बहताबिया आओ वर के खोलिए जिथे पए वाक ने कुछ मुक्तियां नू तरस दे आओ वर के खोलिए जिथे पए वाक ने कुछ मुक्तियां नू तरस दे ठोकरां खा खा सुनावण जो तुना ठोकरां खा खा सुनावण जो तुना जद मैं छोईयां चुप होईयां गागरां फिर पता नहीं की नदी चो भर लिया मुड़करां नू जान पाणी तड़प दे मुड़करां नू जान पाणी तड़प दे मैं तेरी मिट्टी च हाँ कुछ माण कर मैं तेरी मिट्टी च हाँ कुछ माण कर तू उगा मैनू मेरा कल्याण कर रहन ना पईयां सियाड़ां वांगे सुनिया सतरां नू थोड़े लफ्ज़ दे सुनिया सतरां नू थोड़े लफ्ज़ दे अगला शेर के जे खला है फिर खला नू इश्क कर जे खला है फिर खला नू इश्क कर जीन जोगा कर जा इस नू आप मर अल्फ तेरा ही ये हुण अहमद बने नेरिया नू इस तरह दे अक्स दे ते इहदा आखरी शेर अपने हत्थां च मैला हो गया जी करे नंबर भी हुणे धो दिया अपने हत्थां च मैला हो गया जी करे नंबर भी हुणे धो दिया यार मैनू पूरा सी जो खर्च दे ना फिरन गलियां च सीरा परख दे जिंदगी मैं किस तरह का कृष्ण हाँ परतदा घर चा नहीं पर परत दे रात कहंदी सुन ली मैं रुकमणी मालका मालक मेरे नू बख्श दे मालका मालक मेरे नू बख्श दे ए सी सुरिंदर सीरा जी ते मैं अगला सद्दा देन जा रही हाँ दलवीर कौर जी नू जो यूके तो आए ने सुपनिया दी कंघी नाल रातां दे केस सवारा सुपनिया दी कंघी नाल रातां दे केस सवारा के निकलन ना अड़का के केसा चो निकलन शुआवा सो दलवीर कौर जी जो यूके तो आए ने इस कॉन्फ्रेंस ली बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरबजीत सोल जी ते बहुत सारा सत्कार मंच ते बैठियां शख्सियतां नूं ते सारे दोस्तां नूं मेरियां नज़मां एक मेरे फोन ते आ ते एक आईपैड ते आ सो थोड़ा थोड़ा स्क्रोल करूँगी जदों नज़म पढ़ूँगी ਹੁਣੇ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਹੁਣੇ ਹਾਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੁਣੇ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਹੁਣੇ ਹਾਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਸੁੰਗੜੇ ਫੈਲੇ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਸੁੰਗੜੇ ਫੈਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਜੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਜੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ अच्छा जी ओके ठीक है साही विगसते अंबर खौरे कदों उगया उग उठन दा चल खौरे कदों उगया उग उठन दा चल ते किंजदा सी मिट्टी पानी नू चा खौरे कदों उगया उग उठन दा चल ते किंजदा सी मिट्टी पानी नू चा किवें परतिया अखां बन खुद नू वेखण दा ख्याल किवें परतिया अखां बन खुद नू वेखण दा ख्याल कद हिलजुल लै आया अग्नि हवा हडमास कद हिलजुल लै आया अग्नि
हवा हड मास मेरे सिर तों उच्चा मेरे अंदर फैले, मेरे सिर तों उच्चा मेरे अंदर फैले, जो साहीं विगसदा मैं कहना चाहवां, जो साहीं विगसदा मैं कहना चाहवां, हाथ जिसदा फड़के मैं तकिया उतानूं, हाथ जिसदा फड़के मैं तकिया उतानूं, अंबर वल वधी मैं लीक हाँ उसदी, अंबर वल वधी मैं लीक हाँ उसदी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा दलवीर जी, इन्हां नूं असीं पहलां वी इन्हां दी सिरजन प्रक्रिया बारे बहुत सारियां गल्लां असीं कीतियां ते ओह पंजाब साहित्य अकैडमी वल्लों यूट्यूब ते वी पाईआं गईआं। सो एक मेरी गुजारिश भी है सारे कहानीकार नावलकार कवि जन जो विदेश तो आउंदे ने ते ओह जरूर इत्थे आके पंजाब साहित्य अकैडमी नूं दसन तां कि असीं उहनां दी सिरजन प्रक्रिया बारे या उहनां दीआं जो रचनावां ने या जो उहनां दी घालणा है ओह असीं सारिआं दे नाल कर सकीए। कई वारी उस तरहां दा मंच नहीं मिल पाउंदा या तुहाडे कोल समें दी घाट हुंदी आ। सो इस तरह नाल एक वधिया रिश्ता जिहड़ा आ एक पुल दा काम करे पंजाब साहित्य अकैडमी पंजाब आर्ट्स कौंसल डॉक्टर जोल साडे नाल बैठे ने सुरजीत पात्र जी ने। सो सानू ये भी एक फायदा है पंजाब साहित्य अकैडमी नूं कि साडे सरप्रस्त जोल साहब पात्र साहब वो भी कवि ने और कविता लिखते ने ते सानू इस गल दा प्रिविलेज भी मिल जाता है। मेरा अगला सद्दा है संतोख सिंह हेयर जी नूं। संतोख सिंह हेयर जी कहिंदे कि अक्सर असी होर तरह नाल मिट्टी दी डली दी गल करदे आ। मैं कहनी आ कि तू ताल ताल यानी तू ताल काया विशाल, तू ताल काया विशाल, मैं मिट्टी दी डली पूरी दी पूरी खुरके तेरे अंदर तेनू अपने रंग च रंग गई, तेनू अपने रंग च रंग गई। सर धन्यवाद। प्रधानगी मंडल ते सकत्तर साहबान जी बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। तुसी हालांकि मैं दविंदर जी साढ़े बहुत ही वधिया जिन्ना वो लिखते ने क्रिटिक्स ने वो नाल ही वो बहुत ही वधिया गाँवे भी ने। ते दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा, तुसी सानू इस स्टेज पर बोलन का मौका दिता है। पर एक दो गल्लां मेरे दिमाग में आ रही जिहड़ियां मैनू लगता मैनू हरजीत जी कहनिया पैनिया। चुरंजा साल हो गया मैनू बलैत विच रहिंदिया, सिर्फ 13 साल की उम्र मैं उत्थे गया सी। मैनू दुख होया अज वो प्रोग्राम सुनने दे विच अंग्रेजी बोली जा रही है, क्यों बई अजे गुलामी थोड़े तो खेड़ा नहीं छुड़ा रही, घट पंजाबी कॉन्फ्रेंस है तुसी पंजाबी विच गल करो यार, है ना, क्यों अंग्रेजी बोल रहे हो तुसी, पता नहीं किसी नोटिस की है गल कि नहीं की। हरजीत जी मैनू बड़ा बुरा लगा है ना, असी साढ़े बच्चे जड़े आ उधर एक खास तौर पर इंग्लैंड जे साडे तीजी पीढ़ी चौथी पीढ़ी साड़ी उत्थे चल गई, उन्होंने बच्चों असी ब्लेम नहीं दे सकते, उन्होंने बुरा नहीं कह सकते पे वो अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, उन्होंने पंजाबी उन्होंने आँदी नहीं। पर शर्म की गल आ भी इस पंजाब दे विच भी पंजाबी कॉन्फ्रेंस हो रही हो फिर असी अंग्रेजी बोलीए, रब राखा। तो दोस्तों एक छोटी जी गज़ल आ सर पांच छे शेर आ, मैं कोशिश करदा तरन्नम दे विच बोलन दी। ना डोलना सुफने सजाई रखना, ना डोलना सांझ जिंदगी नाल पाई रखना, ना डोलना सुफने सजाई रखना, ना डोलना वैरी भी दोस्त कदे बन सकता है, वैरी भी दोस्त कदे बन सकता है, नाल उस दे मोज ताई रखना, ना डोलना सुफने सजाई रखना, ना डोलना
होया कि सूरज बन सकया नहीं, होया कि सूरज सकया नहीं, होया कि सूरज बन सकया नहीं, जुगनुआ तू पंख हिलाई रखना ना डोलना, सुफने सजाई रखना ना डोलना, मंदिया जख्मी ने पर तेरे अजे, मनिया जख्मी ने पर तेरे अजे, मनिया जख्मी ने पर तेरे अजे, सोचा दे पर तू उड़ाई रखना ना डोलना, ना डोलना, सुपने सजाई रखना ना डोलना, हो गए ने हरे नमे कुछ होर दे, हो गए ने हरे नमे कुछ होर दे, हो गए ने हरे नमे कुछ होर दे, मोह में जख्मा नाल पाई रखना ना डोलना, ना डोलना, सुपने सजाई आखिरी लाना, जाना उसने सीओ छड़ के तुर गया, जाना उसने सीओ छड़ के तुर गया, जाना उसने सीओ छड़ के तुर गया, सोखे नू दिल चा समाई रखना ना डोलना, ना डोलना, सुपने सजाई रखना ना डोलना। धन्यवाद जी। बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ दे विच ना डोलना, सुपने सजाई रखना। सो कविता मैनु लगता हुंदा कि केवल स्वय अभिव्यक्ति या दुख तकलीफ दी गल ही नहीं करती, कविता उत्सव दी गल भी करती है। तो हुण कविता नू जदों जे असी आउण वाली पीढ़ी नाल जोड़ना है, सुपनिया दी गल करनी है, तां उहदे विच पॉजिटिविटी चाहीदी है और उहदे विच उत्सव भी होना चाहीदा कि असी जिंदगी दे सारे रंग माणीए। मैनूं लगता हुंदा कि असी बहुत ज़्यादा कुछ बदल नहीं सकते लेखक होण दे नाल, जदों तुसी दो चीज़ां नाल कहिंदे आ कि क्रांति आउंदी आ, या तलवार नाल ते या फिर शब्द नाल, ते तलवार लहू मंगदी आ ते शब्द जिहड़ा आ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਗਈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਸੂਟ ਸਲਵਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਰਸ ਭਵਨ ਕਿੱਧਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਜੀ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ 60 ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਛੇਤੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
अपने पंजाबी होण ते ते पंजाबी बोलण ते माण महसूस करांगे। जिहड़ी गल है कि पंजाबी बोलण दे लई असी स्कूलां ते कालजां दे विच बच्चां नूं इह अहसास ही करवाउणा सब तो ज़्यादा जरूरी है। अज इह गल भी होई अपनी पहलां भी गल होई आ कि बच्चां नूं इह अहसास होवे कि मैं पंजाबी हाँ ते पंजाबी मेरी माँ बोली है ते इहदे नाल मेरी गर्दन जिहड़ी है मेरी धौण उच्ची उठदी आ, मैनूं इहदी कदर करनी आउंदी होणी चाहीदी आ। जिस दिन असीं अपने बच्चों नूं इह अहसास करा पाए उस दिन फिर सानू इन्नी ज़्यादा जड़ियाँ दुश्वारियाँ वो नहीं आनगियाँ। जो पंजाबी की गल होंदी है माँ बोली की गल होंदी तो मैं बहुत ही भावुक हो जाती हाँ। सो मेरा सद्दा है जगीर कालों जी नू। जगीर कालों जी तू हुंदा मेरा पिता पति पुत्र ते कदी मेरा सखी मित्र, मैं कविता हो गई जदों तेरे मोढ़े ते सिर रख के सौं गई। खबरां कईयां आईयां देश पंजाब तों, खबरां कईयां आईयां देश पंजाब तों, किरनम किरनी उड रहे पंछी ढाब तों, सखणियां होईयां नदियां मिठे आब तों, किस कुलैणे टोणा लाया राब तों। मेरी नज़म का नाँ है जी जलावतन, तो ये दुआबे का प्रसिद्ध पिंड है, एक उनू समर्पित आ। उन्हें कविता दे विचों आपे ही बोल पैना है, मैं पिंड का नाँ नहीं दसना चाहुंदा। हरजीत जी टोरंटो दे एक पब विच बीयर पींदियां साडी गुफ्तगू विच बार बार जलंधर का जिक्र सुन के उह साडे वल औलिया, तां बीयर वरतौंदी गोरी ने उस नूं वरज दिता। शायद वो सोचती होवे ए दूजे टेबलां ते क्यों जावे, खा मखा खलल क्यों पावे, मतां गाकां दी परेशानी वधावे। असां उस दे हसरती अंदाज नूं वेख के कहा आ जा बाबा आ जा। वो मलकड़े जे साडे च शामिल होया ते बोलिया मैनू बाबा नहीं कहना, मैं ते जग्गा हाँ जग्गा, जगतार सिंह जौल, वल्द प्यारा सिंह जौल, वासी जंडियाला मंजकी ते जिला जलंधर, पाई जलंधरों बहुत ही दूर नहीं जे जंडियाला। ते फिर बीयर दा मग इक्को डीके खाली करके बोलिया, पर हुण मैं टोरंटो दा बशिंदा हाँ, बशिंदा नहीं पनाहगीर, पनाहगीर के जलावतन कुछ भी कह लो। मेरे ते भी जवानी ताडे वांग ही चढ़ी सी, पिंड दे कालजों 14 पास करके मैं भी रुजगार ढूंढदियां दी कतार वधाई सी। बाप कोल जे कोई पूंजी हुंदी तां शायद मैं भी सच्चा सौदा ही करन निकल पैंदा, पर डुब्बी तां जे साह ना आया। पंज किल्यां दी खेती चों केड़ियां पूंजियां जुड़दियां ने भला। मेरे कई चिर जिद करन ते बापू ने एक किला गहने धरिया, जलंधर दे एक एजेंट नाल मशवरा करिया ते मैं पुज गया कैनेडा ते बन गया पनाहगीर। इत्थे बड़े पापड़ वेले, बड़े हड्ड भन्ने, बड़ा उनींदरा झागिया, बड़ी कमाई कीती। लिंडा नाल व्याह तां कागजी सी, लिंडा नाल व्याह तां कागजी सी, पर वो सौरी चंगी बाली निकली ते मेरी पक्की अरदंगनी बन गई ते मैं भी उहदा नां रख लिया लंडन कौर। लिंडा नाल व्याह तां कागजी सी, पर वो सौरी चंगी बाली निकली, पक्की अरदंगनी बन गई ते मैं भी उहदा नां रख लिया लंडन कौर। बीयर दा एक होर मग आउण तक वो वाह वाह कैम हो गया ते कहिंदा एजेंट ने कनेडा पहुँचाउण लई पता नहीं की दा की बना धरिया। मैं तां कदे दरबार साहब मत्था टेकण भी नहीं गया सी, पर उन्हें तां मैनू इन्ना खतरनाक बना दिता कि मैं अपने देश लई ते देश मेरे लई खतरा बन गया। हुण मैं जंडियाले नहीं जा सकदा,
हुण मैं जंडियाले नहीं जा सकता, जंडियाला हुण मेरे लिए कोई पराई धरती बन चुकिया जिवें किसी दुश्मन देश की धरती होवे, पर मेरा तन टोरंटो ते मन जंडियाले ही रहिंदा, पर मेरा तन टोरंटो ते मन जंडियाले ही रहिंदा। ओए नई रीसां जंडियाले दियां, उहदे जदो जी दी उच्चे कीते दो पार्टियां दे झंडे इन्हां दे सी एन टावर नालों घट ने, किते कनेडा नूं माण आ वी सी एन टावर बहुत उच्चा आ, उह कहिंदा मेरे पिंड दे झंडे इहदे नालों उच्चे आ। जंडियाले दे तां अमली माणनी कवि अवतार वलैत जा के भी जंडियालवी रहा, सिरजणा वाले रघबीर सिंह ने भी जंडियाले नूं भाग लाए, संत सिंह सिखों इत्थों दे कालज दा इक कुलपति बनिया। दुनिया के किसी होर हिस्से हुंदी है कालजां विच ये उपाधि, तो दरबारा सिंह तो सरदारा सिंह कौन नहीं जानता, तो कौन नहीं जानता मुख मंत्रियां वर्गे मेरे पिंड दे सरपंच जगीर नूं। मेरे पिंड दे मुड़े कुड़ियां जलंधर ते फगवाड़े दे कालजां ते वड्डियां यूनिवर्सिटियां च पढ़ाउंदे ने, मेरे पिंड दे मुंडे कुड़ियां जलंधर फगवाड़े दे कालजां ते वड्डियां यूनिवर्सिटियां च पढ़ाउंदे ने, ते नाल दी नाल जलंधर दे दूरदर्शन ते रेडियो स्टेशन नूं भी भाग लाउंदे ने। हाए ओए मेरा जंडियाला, लम्मा हौका भर के कुछ याद करके बोलिया, जीतो बारे ते मैं दसना ही भुल गया। हाए ओए मेरा जंडियाला, लम्मा हौका भर के कुछ याद करके बोलिया, जीतो बारे ते मैं दसना ही भुल गया। आनंद कारजां वेले जदों भाई जी ने कहा सी, काका जगतार सिंह पुत्र प्यारा सिंह, बीबी सुरजीत कौर पुत्री फूमन सिंह मापिया समेत अरदास लई खड़े होण, तां सालू च लिपटी अपने मोढ़ियां बराबर खड़ी, जीतो नू वेख के मेरे हाथ अरदास लई घट ते जीतो लई ज़्यादा जुड़े सन। पिंडों तुरन वेले वह मेरे गल लग के बड़ा रोई सी, पिंडों तुरन वेले वह मेरे गल लग के बड़ा रोई सी, बड़ियां सिसकियां भरियां सन, मैं छेती मुड़न का वादा कर आया सी, मेरा जिंदा मेरे आउण तो पिछों होया सी, हुण मैं इत्थे मैरी ते गैरी चों जिंदे दे नक्श भालदा रहिना। तुसी जंडियाले जायो, झंडियां वाले चौंक लागे ही घर है साडा, मेरे पिंड नूं मेरी फतेह गजायो, ते जीतो नूं कहो फिकर ना करे, जीउंदे जी मैं जरूर परतांगा। फिर जिद करके उह साडा मेज़बान बन बैठा, ते फिर जिद करके उह साडा मेज़बान बन बैठा, ते सारे टेबल दा बिल, दाढ़ी ते डिग्गे हंजू पूंजे, नम अखां नाल उठिया, दाढ़ी मुछां ते हथ फेरिया, ते बर्फीली रात विच निकल तुरिया, सानू लग्या जिवें ओह जंडियाले जीतो ते जिंदे दी तलाश विच निकलिया होवे। शुक्रिया। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸਮੇਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਮਿੰਦਰ ਜੌਲ, ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਹੱਬਤੀ ਪਲ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਹਿਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। हाँ जी, की कह रहे हो? सो इश्क जेड़ा आ ओ, ओ, ओ जीतो वाला तो किन्ना है, निकी तो निकी जी गल है शायद, पर जदों अखा मीटो तुहानू याद आउंदी होगी, ओ तो वो एक लम्हे, वो खूबसूरत पल, वो तुहाडी अखा अगे मुड़ के आ जाना। तो मैं लगता जिंदगी बस एहो ही आ, प्यार मुहब्बत दोस्ती और खुश रहना। संकट तो सब तो आते, बहुत सारिया मुश्किलां भी आदि, सारा दिन असी रेंदे हाँ आवाजार तेज़ तेज़ काम करते हैं, पर जिंदगी जिहड़ी आ ओ मुहब्बत तो बिना बड़ी ऊनी सखनी आ। कर्मा वाले ने जिन्हां नूं मुहब्बत मिलती है। मेरा अगला सद्दा डॉक्टर दविंदर कौर जी नूं,
मेरे मित्र पिछे सोहना सोहना हस रहे ने ते मैनूं बड़े चंगे लग रहे ने। ये मेरे मुहब्बती मित्र हाँ सहमत आओ कहिंदे जी असीं सहमत बिल्कुल जी असीं सारे ही सहमत हाँ इस गल दे नाल। डॉक्टर दविंदर कौर जी कहंदे ने कविता दा कोई देश नहीं हुंदा, जिथे भी किधरे एहसास जुड़दा है कविता उहदे नाल खलो जांदी है। पहली एक कविता मैं पाल कौर, तुहानू सारयां नू पता है कि साडी बड़ी जहीन शायर है, उहदे नाल मैं गलबात कर रही हाँ इस कविता दे विच। अजकल जद भी कविता मिलती है इकल्या मिलती है, अजकल जद भी कविता मिलती है इकल्या मिलती है, कदे अपने दर्द दी टीस सुनाउंदी है, कदे मुहब्बत दे सच दे अर्थां नूं फरोलदी है, कदे जिसम ते पई झुरड़ी चों गुआच रहे इश्क दे जनून दियां बातां पाउंदी है। बहुत विचारवान हो गई है कविता। कविता तेरे निके निके हासे, तेरे बोलां दी गुटरगू, तेरा चुन्नी दे लड़दा हवा च उड़ना, बेपरवाह सड़कां गाउणा, जांदे राहियां नूं मखौल दी खिली च उड़ाउणा, केड़े विचार दी झुरड़ी च अड़ गया है। कॉस्मैटिक्स दा युग है, कॉस्मैटिक्स दा युग है, एज ब्लॉक क्रीमां दा सीमेंट क्यों नहीं भरदी। कॉस्मैटिक्स दा युग है, एज ब्लॉक क्रीमां दा सीमेंट क्यों नहीं भरदी, दर्द नू सिसक दा रहन दे चेहरे नू सजा, एवें अपना कीमती दर्द हवा च ना उड़ा। ते एक तरन्नम दे विच मैं राती तारियां दे नाल गल्लां करके सौंदी हां, मैं राती तारियां दे नाल गल्लां करके सौंदी हां, जदों कोई तारा टुट जाए तां हंजू भर के रोंदी हां, अनेकां जज्बियां सावां दे मोती चुनदी रहिंदी हां, अनेकां जज्बियां सावां दे मोती चुनदी रहिंदी हां, मिला के सारियां सदरां दी माला विच परोंदी हां, मिला के सारियां सदरां दी माला विच परोंदी हां, जदों कोई मोह दा धागा रुस जाए हार बनने तों, जदों कोई मोह दा धागा रुस जाए हार बनने तू, मैं पाके वास्ता उस मोह दे सगी फुल सजाउंदी हां, मैं पाके वास्ता उस मोह दे सगी फुल सजाउंदी हां, जदों कोई ईद दे चन नूं दिवाली साड़ना चाहे, जदों कोई ईद दे चन नूं दिवाली साड़ना चाहे, मैं बन के सूर जांदी लो दे दीवे मुड़ जगाउंदी हां,
मैं बन के सूर जांदी लो दे दीवे मुड़ जगांदी हां। आखरी शेर है, जदों कोई बंब ते बारूद दी गल छेड़ना चाहे, जदों कोई बंब ते बारूद दी गल छेड़ना चाहे, मैं लैके मोमबत्तियां उस दी ख्वाहिश जलांदी हां, मैं लैके मोमबत्तियां उस दी ख्वाहिश जलांदी हां, मैं राती तारियां दे नाल गल्लां करके सौंदी हां, जदों कोई तारा टुट जाए ता हंजू पर के रोंदी हां। जदों कोई तारा टुट जावे ता हंजू भर के रोंदी हां। बहुत खूबसूरत। मेरा अगला सद्दा है गुरदेव चौहान जी नू जो कैनेडा तो आए ने। समय दी ऐयाशी के जिंदगी जिंदगी ही नहीं लगती, समय दी ऐयाशी के जिंदगी जिंदगी ही नहीं लगती, बस किसे मुकदमे वांग पेशियां भुगतदियां लंघदी, गवाह बनो या भुगतो पेशियां, गवाह बनो या भुगतो पेशियां, जगमगाउंदे हनेरियां च फैसले दी उड़ीक, कवि ते मनुख दी कश्मकश च, कवि ते मनुख दी कश्मकश च, कविता दी खिड़की खुल दी, कविता दी खिड़की खुल दी। सो थोड़े रूबरू हो रहे ने गुरदेव चौहान जी। मेरी कविता है मकान। सीमेंट सरिया चूना गारा मिट्टी, सीमेंट सरिया चूना गारा मिट्टी, सब कुछ खा जाता है मकान। इसकी हजम करने की शक्ति बहुत तेज़ होती है, इसकी हजम करने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। सिक्का पाइपा तारा के गुच्छे शीशे लक्कड़ दरख्तों के दरख्त हज़ारा गेलन पानी तामी इसकी त्रेह नहीं मुकती। होर भी बहुत कुछ खा जाता है मकान, होर भी बहुत कुछ खा जाता है मकान, तुहाडे रिश्तेदारां दे खेत, बैंक दे अनेक खाते, दफ्तर विच हर रोज़ ओवरटाइम दे कुछ होर घंटे, एतवार नूं सब्जी मंडी दे अखीर विच खरीदी सस्ती सब्जी। मकान खा जाता है तुहाडा वक्त, तुहाडे असूल, तुहाडी मर्यादा, एक खलल विच पा दिंदा है धोती हुई सवेर वर्गा तुहाडा टिका, तुहाडे मन दा ठहरिया पारा। मकान आराम दे शिखर बिंदु तो शुरू हुंदा है, मकान आराम दे शिखर बिंदु तो शुरू हुंदा है, पर एक बार जद ये सप वांग जमीन तो सिर चुकदा है तां तुहाडी बेरामी दियां सारियां हद्दां तोड़ दिंदा है। अद्धी राते भी डाकिया टुट गई किश्त दी दा नोटिस लैके आ सकता है, अद्धी राते भी डाकिया टुट गई किश्त दा नोटिस लैके आ सकता है, सारिया दीवारां तोड़दा होया यूरैसिक पार्क दियां डायनासोरां दी तरह। तुसी अजे अख चमकण दी सोच ही रहे हुंदे हो कि अगले महीने दी किश्त आ जांदी है, तुसी अजे अख चमकण दी सोच ही रहे हुंदे हो कि अगले महीने दी किश्त आ जांदी है, कुछ कु वधे हुए पैसों नाल जिस दी तफसीर विच जाना तुसी कदों तो छड़ दिता हुंदा है, जिवें अपनी अखां दा ऑपरेशन कराना, लड़की दे विआह बारे सोचना, थोड़ी जे पी के सूदिए नूं भैण दी गाल कढ़ना। जद मकान बन भी जांदा है तां वी इह तुहाडी बेरामी दा पूरा ख्याल रखदा है, ये तुहाडे एक मिनट भी घर च आराम नाल बैठण ते तुहाडे नाल रुस सकदा है। कदे इस दी बिजली चली जाती है, कदे मच्छरां दी हेड़ चली आती है, कदे पानी दी टूटी चोण लगती है,
कदे इस नू शोरे दियां इट्टां दी बदहजमी होण लगदी है, कदे ये होर भी पचीदा सवाल खड़ा कर दिंदा है, कदे ये होर भी पचीदा सवाल खड़ा कर दिंदा है। अदालत किराएदार किराया देना बंद कर दिंदा है, अदालत का दरवाज़ा खड़काना शुरू कर दिंदा है। मकान कोल ताकत है तुहाडा घर खोण दी, मकान कोल ताकत है तुहाडा घर खोण दी, थानू प्रदेशां विच रोलण दी, मकान विच तुहाडे घर दे टै जाण दी पूरी गुंजाइश हुंदी है। मकान विच तुहाडे गुस्से नूं उपरली तह तों हेठली तह तीक लियाण अते अजमाण दा पूरा इंतजाम हुंदा है, सब कुछ खा जांदा है मकान। थैंक यू। सब कुछ खा जाता है मकान, गुरदेव चौहान जी। कविता का आनंद मानने लिए पहुँचे हुए सज्जनों, मेरे वालों तह दिलों प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम सुखदेव सिंह सिद्धू है, तो मैं नॉर्वे तो आया। तो कविता लिखना तो कोई बड़ी चंगी गल नहीं पर चल जा मैनू भी जागया है तो क्योंकि ये कुछ लगता नहीं, तुम सारे पता ही है, कुछ बंदे जुगाड़ जोड़ के इधर उधर कर लेंगे, बाकी तो मेरे अर्गे एवं धूड़ चटू रोते रहेंगे। चलो है नहीं हो तो बहुता समा रेंगे। भैन जी कह रहे थे भी जिंदगी बड़ी प्यार दी, मुहब्बत दी, हादसों की, खेडों की है। मैं ये नाल ही कुछ थोड़ा होर एक वर्शन पेश कर लग्या। अच्छा, खेड पतंगा दी जिंदगी है, खेड पतंगा दी, कुछ डोरां दी, कुछ रंगा दी। जिंदगी है खेड पतंगा दी, कुछ डोरां दी, कुछ रंगा दी, एक क्यास कहानी उच्चे उच्चे उड़न दी। हर कोई चाहुंदा एक क्यास कहानी उच्चे उच्चे उड़न दी, पर गोते खा खा धरती डिगण दी। ए उलझी हुई ताणी है, ए उलझी हुई ताणी है, कदे ए सुलझी हुई ताणी है, ए तस्वीर है मासूम जेहे हासियां दी, बरसातां वांग रोवण दी, एक हथ हासिल करके दूजे हथ खोवण दी, रावण वांगू हसन दी और डूंगे डूंगे डसन दी। वो पता भी नहीं लगता भी कदों डांगा है। सवेर सजरियां सदरां दी, ये कहानी है, ये तस्वीर है। सवेर सजरियां सदरां दी, मिधियां होईयां लगरां दी। जिंदगी एक तुखदी तूणी है, जिंदगी एक तुखदी तूणी है, बेशुमार जियां लोड़ां दी, बेशुमार जियां लोड़ां दी, किते बहुतातां दी, किते थोड़ां दी, किते बहुतातां दी, किते थोड़ां दी। बेबस बेबस मलाहां दी, बेबस मलाहां दी, अध विचकारे डुबियां बेड़ियां दी, अध विचकारे डुबियां बेड़ियां दी, टुटियां होईयां बंगां दी, अधूरियां रहियां उमंगां दी। जिंदगी है खेड पतंगां दी, कुछ डोरां दी, कुछ रंगां दी। एक छोटी जी कविता होर बाद तुहाडा समां नहीं लैणा, कि साढ़े वर्ग तो लंडू शहर होंगे ने, इन्हों का की है, तो वह हैगी है जी मन अंदर दी दिल अंदर दी, तौर अंदर दी,
मन अंदर दी, दिल अंदर दी, तुर अंदर दी, कोई की जाने, कोई की जाने, उपरों वेख्या सब ठीक ठाक जहा लगता है, उपरों वेख्या सब ठीक ठाक जहा लगता है। खून तो गाड़े रिश्ते सी जो, खून तो गाड़े रिश्ते सी जो, अज पानी वांगू बहते ने, खून तो गाड़े रिश्ते सी जो, अज पानी वांगू बहते ने, उपरों नज़र मारिए इन्हां ते सब ठीक ठाक जहा लगता है, सब ठीक ठाक जहा लगता। बोल चाल भी रस्मी है, बोल चाल भी रस्मी है, हादसे भी झूठे झूठे ने, बोल चाल भी रस्मी है, हादसे भी झूठे झूठे ने, होण जे एक दो छिलड़ जेब च सब ठीक ठाक जहा लगता है, सब ठीक ठाक जहा लगता है। कदे कदाई, कदे कदाई जा डुबदा हाँ विच सोच समुंदर, कदे कदाई बिल बैठ, कदे कदाई जा डुबदा हाँ विच सोच समुंदर, की खोया की पाया, जिंदगी का साबता भी करना पैंदा, की खोया की पाया, जो कुछ हासिल होया, तो पिछे तो मुड़ा नहीं जाता, जो कुछ हासिल होया सब ठीक ठाक जहा लगता है, सब ठीक ठाक जहा लगता है। अखीरली बंदा है, चौही कूटी कुप हनेरा, चौही कूटी कुप हनेरा, बागी ना कोई पंछी बोले, चौही कूटी अपना जो देश का हाल है अच्छा, चौही कूटी कुप हनेरा, बागी ना कोई पंछी बोले, तूफान आने तो पहला यारो सब ठीक ठाक जहा लगता है, सब ठीक ठाक जहा। थैंक यू सो मच। सब ठीक ठाक जहा लगता है जो जिंदगी इस तरह का सोच रख लें तो फिर औख कट्टी जाती है। नॉर्वे बहुत सोहना है, मैं न्यूजीलैंड भी वेख्या ते ओदा छोटा भरा मैनू लगता हुंदा नॉर्वे, सब तो पहले नंबर ते खूबसूरती न्यूजीलैंड दी है ते दूजे नंबर ते मैनू नॉर्वे लगता हुंदा, बहुत खूबसूरत है। नहीं न्यूजीलैंड भी बहुत सोहना है जी, न्यूजीलैंड। हाँ जी, बहुत फैसिलिटीज ने उत्थे, बहुत उन्होंने डॉक्टर करनैल जी आ गए होण तां मैनूं दस देण। मेरा अगला सद्दा है करण अजायब सिंह संघा जी नूं, कैनेडा तो आए ने। इस तो बाद असी सारे डिनर लई पंजाब भवन जावांगे जिथे कि सीएम साहब वल्लों डिनर है। सर सत्कारयोग प्रधानगी मंडल, हाल में हाजरी मेरे मेहरबान विद्वान दोस्तों, बड़ी दौड़ भज के पहुँचा, मेरी गुराटी साहब ने ड्यूटी लाती सी हाजिर होने लई। छोटिया छोटिया दो कवितां, एक शेर पहला, मोह मरदा ना जेकर करन बन के, मोह मरदा ना जेकर करन बन के, फर्क अपने पराए दा मिटदा किवें, कटार कालजे बिरहों दी चुभदी ना, अखर प्रीत दा कागज़ ते लिखदा किवें, गम मिलदा ना जे जिगरी यार बन के, हर शब्द विचों प्यार फिर रिसदा किवें, इश्क इबादत दी हद तक पुजदा ना, हर बंदे विचों रब फिर दिसदा किवें। एक छोटी जी पहला खुली कविता साझी करांगा, फिर पंजाबी जिहड़ी मेरी नवीं किताब आ रही है उहदे विच पंजाबी एक नज़म है। असी प्रदेश विच उत्थे मीह भी पैंदा, स्नो भी पैंदी, पर मिट्टी दी महक नहीं आउंदी, मिट्टी दी महक इत्थे ही आउंदी है। तो मेरी एक नज़म है,
कणियां दी पहली आमद ने जदों आ धूड़ दा बोसा लिया तो मिट्टी दी महक आई, शब्दां ने यादां दा तोशा लिया। केरा मिते होए फुल तो सी पुछिया, टाणियों टुट के महक किथे गई। ए टाणी विच सी जा तेरे विच, मिध्या होया फुल बोलिया, महक ता मिट्टी विच ए। जो कलीसी जड़ा ने टाणियां राही, ताहियों ता हुण मुड़ महकण लई मिट्टी नाल मिट्टी होण जा रहा हाँ। ते मैं भी मिध्या गया, ते मैं भी मिध्या गया, बेकदर रिश्तों की भीड़ विच समेट रहा हाँ खुद नू, ना मिला किसी नू कोई दुख बन के। ना फूक दियो मेरे मरण पिछों, मैनू दब दियो किते दूर विराने विच, उग पवां शायद कोई रुख बन के। ते फिर मां मिट्टी का कर्ज उतार दियां, फिर किसी अणजाण परदेसी राही नू मैं उह ठंडी शाह दे जावां, बस इन्नी कु ख्वाहिश है करन दी मां मिट्टी दे कम आ जावां। पंजाबी दी जिहड़ी अगली मेरी कविता रही है अपनी मां बोली वास्ते दर्द दी। मैं बेटी हाँ पंजां पाणियां अते तिन वीरां दी भैण, मेरे सिर तो साया उड्डिया अज कौण सुणे मेरे वैण, दो दो मेरियां लिपियां दो टोटे होया नसीब, मैं दो मुल्कां विच वंडी गई मेरे अपने बने शरीक, शाहमुखी ते गुरमुखी मेरा वासा कुल जहान, तिन तिन मेरे मां जाए सिख हिंदू मुसलमान, मैं फिर भी फिरा नथामी हो साजिशां दी शिकार, मेरे धियां पुत्र वेसले मैं पौण सदी बीमार, साड़ा रख दे मेरे नाल सदियां दे अनपढ़ गवार, कि जे समझावां इन्हां मूर्खां मेरा कुल दुनिया पसार, हिंदी उर्दू मेरियां भैणां बन बैठियां अज शरीक, साड़ा करन पंजाबी नाल मेरे लेखी मारन लीक, मैं वंडा सेवा निम्रता नैतिक गुण भरपूर, अज मेरे अपने बचड़े मैनू त्यागण लई मजबूर, पूजा करा किस भगवान दी करा दुआ किस खुदा कोल, मैं करा अरदास गुरु अगे मेरे सांझे बन जान बोल, मैं भला मंगा सरबत दा मेरे लई सांझा कुल जहान, ए सड़े फुट पाऊ ईरखा मेरे बच्चे बन महान, मैं बोली रिशियां मुनियां पीरां पकंबरां दी शान, जद गुरां दित्ती गुरियाई बनी गुरमुखी उत्तम ज्ञान, मेरे आगू थड़के फर्जों जो विसरे मेरा म्यार, मैं रुली जन्म धरत ते मेरा विदेशां विच सत्कार, लख करन भावें वितकरा मैं हर शब्द करां प्रवान, मेरा जज्बा सांझी वालता मेरा सुच्चा नेक ईमान, शाबाश दलारे बच्चो मां सदके मैं कुर्बान, तुसा उद्यम कर परदेसी मेरा उच्चा कीता नाम, मेरा उच्चा कीता। बहुत ही उम्दा कविता मां बोली ली। इस तो पहला कि मैं आखिरी साढ़े अज दे इस महफिल दे कवि जन नू सद्दा देवा, मैं सुलक्खण सरहदी जी नू मंच ते सद्दा देनी आ। इन्हां दी साढ़े पंजाबी दे गज़ल गो ने, इन्हां दी एक पुस्तक है आस्ट्रेलिया बारे साडा आस्ट्रेलिया, वह असी रिलीज़ करनी है इस 6वीं विश्व पंजाबी कॉन्फ्रेंस। सुलक्खण सरहदी जी, मैं गुजारिश करदी हाँ प्रधानगी मंडल नू कि वह दीपक सर प्लीज़ आ जाओ, तुसी हुण नेड़े जे सी। मैं हुण सदा देन जा रही हाँ
डॉक्टर कनैल जी जे आए होन ता आ गए के नहीं नहीं आए शायद हरदेश बसरा जी हरदेश बसरा जी इस तो बाद असी डिनर ले चलांगे सारे जाने सारे ही इनवाइटेड ने असी उत्थे भी गलबात करांगे गलबात जारी रहेगी पंजाब भवन जी पंजाब भवन जावांगे सारे इत्थों सीधा ही ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी प्रधानगी मंडल ते हाजरीन मैनू पता नहीं मैं हसा करूँ क्योंकि मेरे नाल भी एक नवा ना मेरे नाँ नाल भी एक नवा ना जुड़िया वो है प्रदेश प्रवासी ते तो रो लें जी चलो रल के रोवे सारे अच्छा कहने पिंड मेरा कहने पिंड मेरा उस तरह वसदा है पर हुण पहला पर हुण उत्थे पहला वांगू रुख नहीं दिसदे उंज देखण नूं लोकां दी तां भीड़ बथेरी है उंज देखण नूं लोकां दी तां भीड़ बथेरी है पर मैनू जानण वाले कोई मनुख नहीं दिसदे पर मैनू जानण वाले कोई मनुख नहीं दिसदे ते एक विआह बारे शेर मैं कह रहा अपनी नज़म कहण तों पहला हर एक बंदा इस जहान अंदर हर एक बंदा इस जहान अंदर बड़े चा नाल व्याह करवावदा है कोई एक बारी कोई दो बारी ते कोई कई बार भी सिरे सजावदा है ओह कायर जो अद्ध विच छड जावे ओही सूरमा जो तोड़ निभावदा है इसे लई बसरा लड्डू ब्याह वाला हौली हौली नित पूर के खावदा ओ दिल मेरे दा ओ हिस्सा जो हर पल गम विच रहिंदा है जद बोलन लई कुछ आखां तां ओ नाम तेरा ही लैंदा है ओ दिल मेरे दा ओ हिस्सा जो हर पल गम विच रहिंदा है जद बोलन लई कुछ आखां तां ओ नाम तेरा ही लैंदा है मैं कई वार कहा बदल जा तू पर टस तों बस ओ होवे ना मैं कई वार कहा बदल जा तू पर टस तों मस्यो होवे ना शर्मा के नीवी पा लैंदा एक रंग चढ़दा एक लैंदा है शर्मा के नीवी पा लैंदा एक रंग चढ़दा एक लैंदा है ना धुप ते छां दा फर्क करे बस सिर सुट के प्यार वे ना धुप ते छां दा फर्क करे बस सिर सुट के प्यार वे हर मीनेरी नूं तन अपने ते ए चुप चुपीते सहिंदा है हर मीनेरी नूं चुप चुपीते तन अपने ते सहिंदा है ना उठे बूहा खोलण लई जद दर ते दस्तक दवे कोई ना उठे बूहा खोलण लई जद दर ते दस्तक दवे कोई मेहमाना कोलों लुकदा रहे जा पिछली कोठड़ी बहिंदा है मेहमाना कोलों डरदा रहे मेहमाना कोलों लुकदा रहे जा पिछली कोठड़ी बहिंदा है ए सारे चा गवाच गए भुल बैठा मौज ते मस्ती नूं ए सारे चा गवाच गए भुल बैठा मौज ते मस्ती नूं ना हिम्मत ना दी चीज रही जद वेखां डिगदा ठहिंदा है ना हिम्मत ना दी चीज रही जद वेखां डिगदा ठहिंदा है
हर एक नू वेखे डर डर के दुश्मन दोस्त दी सार नहीं हर एक नू वेखे डर डर के दुश्मन दोस्त दी सार नहीं जद बसरा करदा हमदर्दी तां उहदे नाल वी खेंदा ऐ जद बसरा करदा हमदर्दी तां उहदे नाल वी खेंदा ऐ ओ दिल मेरे दा ओ हिस्सा जो हर पल गम विच रहिंदा ऐ जद बोलने लई कुछ आखां तां ओ नाम तेरा ही लैंदा ऐ ओ नाम तेरा ही लैंदा ऐ जी बहुत बहुत शुक्रिया मैं शुरू च कहा कि प्रवासी कहना जदों कहने तो मेरा भी दिल दुखदा इस गल ली पर हुण शब्द बनिया सो ये सी बसरा जी दो तीन अनाउंसमेंट्स हुक्म होया मैनू करन लई एक ता असी पंजाब भवन जाना है 8:30 बजे का वैसे टाइम आ खाने दे लई उत्थे भी गल्लां दी जिहड़ी है रवायत तो चलती रहेगी असी गल्लां बातां करदे रहांगे ते उस तो बाद रात भी खुली है गल्लां करन लई सो कदे मुकदियां नहीं जे कविता दियां गल्लां होण ते रात छोटी हो जांदी है जिद्दां इश्क दे लई बड़ियां हुंदियां ने थोड़ियां जिहियां मतलब रातां छोटियां हो जांदियां इदां मैनूं लगदा हुंदा कि कविता लई पढ़न दे लई भी रात छोटी हो जांदी है ते दूसरी है कि कल अज दा बहुत वधिया साडा सैशन शुरू तो लैके हुण तक चलदा रहा और जिस तरह सोचिया सी प्रबंधकां ने उस तरह असी इस नूं हुण तक दे सिखर ते लैके आए हाँ कल सवेरे अज असी पंजाब यूनिवर्सिटी च इकट्ठे होए हाँ कल सवेरे 9:30 बजे असी पंजाब आर्ट्स कौंसल सैक्टर 16 रोज़ गार्डन दे नाल है उत्थे इकट्ठे होवांगे सवेरे 9:30 बजे तो उत्थे फिर सारा दिन आप गल्लां सुनांगे अगले सैशनस जिहड़े ने साडे ओह होणगे ते हुण धन्नवाद भी मैनूं ही करन लई कहा गया तो मैं धन्नवाद लई बस एक मैं एक कविता जरूर सुना दा ओह दूजियां दे विच फीलिंग्स सीगियां उपकार सिंह जी कित्थे ने हाँ अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी सर मैं बुलाउनी है तुहानू पात्र साहब दे ब्रदर ने और मैं सवेरे इन्हां नूं वैसे पहला नहीं सी मिली पर मैं इन्हां नूं वेख के मैनूं होया कि नहीं ये पात्र साहब दे ब्रदर ने ते हुण मैं एक कविता मैं भी सुना ला थोड़ा जिहा इन्नी तां मोहलत दे दोगे आउणा सी तां आ जाणा सी आउणा सी तां आ जाणा सी साडा दिल वरचा जाणा सी साडा की है झले ही हाँ तूं थोड़ा समझा जाणा सी शुक्रिया कॉफी पींदे गल्लां करदे बिल तां मैं चुका जाणा सी बुल्लां तों जो कहा ना जांदा अखियां ने समझा जाणा सी गिला शिकवा जे कोई हुंदा गली बाती सुलझा जाणा सी कुछ गल्लां जे कहण दी हिच सी मैडम तजिंदर कुछ गल्लां जे कहण दी हिच सी आनी बहानी जतला जाणा सी मुहब्बत मिश्री नालों मिठी मुहब्बत मिश्री नालों मिठी स्वाद स्वाद जहे हो जाना सी तेरे मोडे ते सिर रख के कुछ चिर जग नूं भुल जाना सी जान लग्या घुट के मिलदे जान लग्या घुट के मिलदे फिर आउण लई वी कहना सी कुछ दिन सौखे लंघ जाने सन कुछ दिन सौखे लंघ जाने सन आस दा दीप जगा जाना सी अखियां ने तैनू तक लैना सी अखियां ने तैनू तक लैना सी इन्ने नाल ही सर जाना सी आउणा सी ते आ जाना सी साडा दिल वरचा जाना सी बहुत शुक्रिया हुण मेरी गुजारिश है उपकार सिंह जी नूं कि ओह मंच ते आउण ते असीं इहनां दी कविता नाल इस अज दे कवि दरबार दा ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼
जी जी आ जाओ सर तुरंत जी 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 मेरा सुभाग है अपना सारें का विरसा है पात्र साहब की शायरी मैं छोटा भरा हाँ उन्हों का सो मैं थोड़ा मेरा हक बन जाता मैं गा सकता वो बैठे ने सो एक गजल की जो कंपोज करने की मैं कोशिश की है वो चंद शेर ये उम्मीद है कि जल्दी कुछ रिलीज़ करा मैं सुना जे रात खामोश मेरे दिल च कोई दुआ करे मैं सुना जे रात खामोश मेरे दिल च को